सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू एडमिशंस के बारे में, मेरिट बेस पे एडमिशंस के बारे में हम यहाँ पे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, और क्योंकि देखिए ये वो टाइम्स है जो आपके लिए जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एडमिशंस लगभग जो है सभी कॉलेजों में कंप्लीट हो चुके हैं, और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशंस अभी तक नहीं हुआ है या जो एडमिशंस कराने को लेकर जो रह गए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अपडेट है। और ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनका कि CUET जिन्होंने दिया था और उनका नाम नहीं आया है, तो उन सभी के लिए ये एक जो है बड़ी अपडेट है। और देखिए, अपडेट लाना जरूरी है, चाहे वो छोटी सी अपडेट हो या बड़ी अपडेट हो, क्योंकि ये वो समय है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो समय है। अगर आपने इस टाइम पे एडमिशंस ले लिया तो ले लिया, वरना जो है बाद में आप रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो है सत्र जो है ऑलरेडी जो है शुरू हो चुका है, तो फिलहाल हम पहले अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखिए जो न्यूज़ क्या आ रही है कि CUET से राहत, मेरिट के आधार पे जो एडमिशंस होंगे वो होंगे आपके 18 सितंबर के बाद, यानी कि मेरिट के आधार पे एडमिशंस यहाँ पे होंगे। और होंगे कितने, 18 सितंबर के बाद होंगे जो है। देखिए, जो आपके अशासकीय PG कॉलेजों में छात्रों को दाखिले के रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के निर्णय के आधार पर DAB, DBS, MKP और SGRR PG कॉलेजों में मेरिट के आधार पर UG और PG के दाखिले 18 सितंबर के बाद से शुरू कर दिए जाएंगे। और अब तक इन सभी कॉलेजों में CUET के माध्यम से छात्रों को दाखिला दिया जा रहा था, लेकिन जानकारी के अभाव में तमाम छात्रों ने CUET की परीक्षा नहीं दी थी। ऐसे में कॉलेजों की जो है 50% सीटें जो है खाली थी। सीट भरने के लिए छात्र संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। DAVPG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KR जैन ने बताया कि प्रिंसिपल काउंसलिंग की मीटिंग हुई है, इसमें इलेक्शन के साथ ही एडमिशंस के विषय पर बात हुई। इसके बाद यह तय हुआ कि यूनिवर्सिटी के सर्कुलेशन के आधार पे, मेरिट के आधार पे एडमिशन दिया जाएगा, और यह सर्कुलेशन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड सभी अशासकीय कॉलेजों में भी जारी करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में 18 सितंबर के बाद से मेरिट के आधार पर एडमिशंस किए जाएंगे। इसके अलावा PG के छात्रों के दाखिले CUET के आधार पर किए जा रहे हैं, इसकी दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। DBS PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर VC पांडे ने बताया कि कॉलेज में जो है 18 सितंबर के बाद UG और PG के दाखिले मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। सो ये गाइज, ये आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे मेरिट के आधार पे एडमिशंस जो है UG एंड PG कोर्सेज दोनों में यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, और 18 सितंबर के बाद यहाँ पे जो है एडमिशंस यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। चाहे अगर आप बात कर लेते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून की, या DBS PG कॉलेज देहरादून की, या SGRR PG कॉलेज की बात कर लेते हैं, या MKP PG कॉलेज की बात, इन सभी बड़े कॉलेजों में जो एडमिशंस होंगे वो 18 सितंबर के बाद मेरिट के आधार पे यहाँ पे किए जाएंगे। मेरिट के आधार के मतलब जो UG में अगर आपके एडमिशंस होंगे तो 12th के मार्क्स के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे, और PG में आपके जो आपके ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएशन आपने किया उसके मार्क्स के आधार पे, यहाँ पे मेरिट के आधार पे आपके एडमिशंस यहाँ पे किए जाएंगे। तो अच्छी खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं 18 सितंबर को भी अगर अपडेट आएगी, जैसे देखिए जब भी एडमिशन शुरू होंगे मेरिट के आधार पे, तो आपको हमारे चैनल पे तुरंत अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी, साथ ही प्रोसेस भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको अपना एडमिशन्स यहाँ पे, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना है।